फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएसजी फैसिलिटी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था क्लीनिंग केमिकल्स के बारे में, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लीनिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। दोस्तों, क्लीनिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट दो तरीके के होते हैं हमारे हाउसकीपिंग इंडस्ट्री में। एक होता है मैनुअल क्लीनिंग टूल्स और दूसरा होता है मैकेनिकल क्लीनिंग टूल्स। बात करते हैं सबसे पहले मैनुअल क्लीनिंग टूल्स के बारे में। इसमें भी कई प्रकार के हमारे आइटम्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें मॉप्स एंड डस्टर्स। दोस्तों, ये है हमारा फ्लोर डस्टर। फ्लोर डस्टर आप जानते होंगे, जनरली फर्श पे पोछा लगाने के काम आता है, फर्श की सफाई के लिए ये काम आता है। दूसरा आता है इसमें डस्टर्स। डस्टर्स को हम जो है इस इंडस्ट्री में हम लोग कलर कोडिंग के हिसाब से यूज करते हैं। ये नहीं है कि किसी भी डस्टर को कहीं भी यूज किया जाए। जैसे हमने किसी डस्टर को किचन में यूज कर लिया, पता चला कि उसी डस्टर को हम वॉशरूम में यूज कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कलर कोडिंग के हिसाब से हमेशा डस्टर यूज किए जाते हैं। ये हमारे पास है ग्रीन डस्टर। ग्रीन डस्टर हम हमेशा यूज करते हैं किचन की सफाई के लिए। किचन में काम करने के लिए हम लोग हमेशा ग्रीन डस्टर का यूज करते हैं। हमारे पास है रेड डस्टर। इसको यूज करते हैं हम वॉशरूम की सफाई के लिए। वॉशरूम में किसी प्रकार की सफाई डस्टिंग वगैरह करने के लिए हम लोग हमेशा रेड डस्टर का यूज करते हैं। तीसरा है हमारे पास व्हाइट डस्टर। ये होता है जनरल पर्पज डस्टिंग के लिए। कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वर्क स्टेशन में यूज करना हो गया, या कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, मीटिंग रूम हो गया, इन जगह हम इसको टेबल वगैरह क्लीन करने के लिए हम लोग इस डस्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी उसमें येलो डस्टर। येलो डस्टर होता है हमारे ड्राई डस्टिंग के लिए या बफिंग के लिए, किसी भी आइटम को साफ करने के लिए हम लोग इस डस्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है इसी सीरीज में हमारे पास डस्टर में और भी टाइप के डस्टर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोफाइबर डस्टर। एक बहुत फाइन क्वालिटी के डस्टर होते हैं और काफी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करते हैं। इसमें भी सेम चीज है कि हम लोग इसको भी कलर कोडिंग के हिसाब से ही हमेशा यूज करते हैं। जैसे रेड डस्टर हो गया हमारा वॉशरूम क्लीनिंग के लिए, ग्रीन डस्टर हो गया हमारा किचन क्लीनिंग के लिए, जनरल पर्पज डस्टिंग के लिए हो गया ब्लू डस्टर, और या ग्लास क्लीन करने के लिए भी हम इस डस्टर का यूज करते हैं। नॉर्मल डस्टिंग के लिए हो गया, ड्राई डस्टिंग के लिए, बफिंग के लिए ये हम यूज करते हैं येलो डस्टर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी मैनुअल क्लीनिंग में ब्रूम्स। ब्रूम्स कई तरीके के होते हैं। जैसे हमारे पास ब्रूम्स में ये है हमारा ब्रूम सॉप, यानी कि फूल झाड़ू। जनरल तरीके से फर्श पे झाड़ू लगाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा आता है इसमें हमारा, इसको हम बोलते हैं ब्रूम हार्ड। वेट एरिया को क्लीन करने के लिए हम इस झाड़ू का प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है हमारा इसमें, एक होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं ब्रूम रॉड सेट। जनरली देखते होंगे आप आउटर एरिया में ये यूज होता है। आउटर एरिया की क्लीनिंग करने के लिए हम लोग इस झाड़ू का प्रयोग करते हैं। इसी कैटेगरी में हमारे पास एक झाड़ू और आती है। ये एक प्लास्टिक ब्रूम होता है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए। वॉशरूम के फ्लोर को साफ करने के लिए हम इस झाड़ू का प्रयोग करते हैं। इसी कैटेगरी में हमारे पास होता है डस्टिंग भी, हमारे पास डस्टिंग के लिए भी होता है फेदर ब्रश। नॉर्मल डस्टिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और फ्लोर क्लीनिंग टूल्स को। ये है हमारे पास कैंट मॉप सेट। इसको हम वेट मॉप सेट भी बोलते हैं। जनरली फ्लोर मॉपिंग के लिए हम इसका
यूज करते हैं। दूसरा आता है हमारे इसी कैटेगरी में ड्राई मॉप सेट। हमारे पास दो तरह के ड्राई मॉप सेट हैं। एक होता है हमारा ब्लू कलर का, जनरली डस्ट कंट्रोल के लिए हम लोग इसको फ्लोर पे यूज करते हैं। और इसी कैटेगरी में ड्राई मॉप सेट में है हमारे पास एक व्हाइट डस्ट कंट्रोल है, इसको भी हम लोग डस्ट कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, प्लस ड्राई मॉपिंग ऑफ फ्लोर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मैनुअल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में, वो है हमारी ब्रशेस। तो आइए देखते हैं ब्रश को। ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम हैंड ब्रश। जनरली फ्लोर की घिसाई के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, कॉर्नर वगैरह साफ करने हो या टाइल्स वगैरह साफ करनी हो, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कारपेट ब्रश, इसको हम कारपेट ब्रश बोलते हैं। जनरली यूज करते हैं हम लोग कारपेट की क्लीनिंग के लिए, कारपेट पे हम इसको यूज करते हैं। ये है हमारे पास जाले वाला ब्रश, हम इसको बोलते हैं। कहीं भी जाले लगे हों, किसी भी टाइप के जाले हों, तो वो सारी चीजें साफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक और आइटम है हमारे पास ब्रश में, इसको बोलते हैं मिस्टर टॉल ब्रश। जनरली आप लोग देखते होंगे आउटर एरिया में टाइल्स होती हैं, तो उसके आउटर एरिया कहीं भी टाइल्स होती है उसके बीच में गैप्स होते हैं, उन गैप्स में जो है मिट्टी भर जाती है, उस मिट्टी को निकालने के लिए हम इस ब्रश का यूज करते हैं, इसको मिस्टर टॉल ब्रश बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रश है हमारे पास इसी कैटेगरी में, वो है इसको बोलते हैं फ्लोर ब्रश। जहां पे मशीन यूज नहीं हो पाती है जिस एरिया में, या कहीं पर छोटे एरिया को हमें क्लीन करना है, ये काम आता है फ्लोर की स्क्रबिंग करने के लिए, जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट आइटम आता है इसमें हमारा एक टॉयलेट ब्रश, यूज करते हैं हम जनरली WC को साफ करने के लिए, यूरिनल बाउल्स वगैरह को साफ करने के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे गार्बेज बैग्स। गार्बेज बैग में कई तरीके के होते हैं, इसको भी कलर कोडिंग के हिसाब से ही यूज करना होता है। ये है हमारे पास ब्लैक गार्बेज, जनरली यूज होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को रखने के लिए। दूसरा आता है हमारे पास ब्लू गार्बेज, जिसको हम यूज करते हैं ड्राई वेस्ट को रखने के लिए। ड्राई वेस्ट मतलब जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उस वेस्ट को रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लू गार्बेज। इसमें कैटेगरी में हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रीन गार्बेज। जनरली वेट वेस्ट को डालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे किचन वेस्ट हो गया, इस टाइप के वेस्ट को डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रीन गार्बेज का। हमारे पास एक और गार्बेज बैग होता है, वो है येलो गार्बेज। जनरली यूज करते हैं इन्फेक्शियस चीज को रखने के लिए, मतलब जिस आइटम से इन्फेक्शन होने का खतरा हो, जनरली हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज करते हैं, उस आइटम को रखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसी कैटेगरी में एक और गार्बेज आता है हमारे पास रेड गार्बेज, जनरली हॉस्पिटल में ही यूज करते हैं, जो हजार्डस चीजों को रखने के लिए उस गार्बेज बैग का हम यूज करते हैं। दोस्तों इसी कैटेगरी में आगे आइटम्स आते हैं हमारे डस्टपैन, बकेट्स एंड वाइपर्स। ये है हमारा नॉर्मल डस्टबिन, सुपली इसको बोलते हैं, जनरल कूड़ा उठाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एक और है इसमें हमारे पास, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग डस्टबिन। जनरली आप लोग देखते हैं मॉल्स वगैरह में यूज होते हैं, डायरेक्टली इसमें झुकना नहीं पड़ता है लड़के को, और डायरेक्टली ऐसे करके उठा के सीधे हम डस्टबिन में इसको डाल सकते हैं कूड़े को। डस्टबिन में स्टैंडिंग में एक और आता है हमारे पास, जिसको हम जॉबी डस्टबिन बोलते हैं। ये कवर्ड डस्टबिन होता है, इसको भी हम जैसे आप देखते होंगे मॉल्स वगैरह में आउटर एरिया में इसको जनरली यूज किया जाता है। ये डस्टबिन कम डस्टबिन है, ऐसे करके ये खुल जाता है और इसको फिर डस्ट को इसके अंदर करके इसको खड़ा करके ये सीधे बंद हो जाता है, और डस्ट को कैरी करके फिर हम लोग मेन डस्टबिन में उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिर इसमें डस्टबिन।
ये है हमारा डस्टबिन, जनरली कूड़ा डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं डस्टबिन को। और आता है एक और आइटम हमारे पास, इसमें वैक्यूम पंप, बुच पंप भी इसको बोलते हैं, या प्रेशर पंप भी हम इसको बोलते हैं। किसी भी प्रकार की नाली खोलने के लिए ये काम आता है। अगला आइटम है हमारा इसमें फ्लोर वाइपर। ये तो सबको पता ही होगा कि फ्लोर वाइपर किस काम आता है। फ्लोर वाइप करने के लिए, फ्लोर से पानी हटाने के लिए हम लोग फ्लोर वाइपर्स का यूज करते हैं। दोस्तों अगला आइटम आता है हमारा मैनुअल क्लीनिंग में जनरल स्क्रबर्स। इसमें आता है हमारे, जैसे ये हो गया हमारे पास, हम इसको जूना बोलते हैं, घिसाई के लिए काम आता है बर्तन वगैरह की। ये है हमारे पास स्कॉच ब्राइट, जनरल स्क्रबिंग के लिए काम आता है। एक और आइटम है हमारे पास इसी में स्टील वूल, ये भी घिसाई के काम आता है, सफाई के काम आता है, काफी अच्छी सफाई होती है। जो चीजें कहीं पे कोई चीज चिपक जाती है, कोई दाग वगैरह नहीं निकलता, उसको घिसाई करने से वो चीज निकल जाते हैं। और एक और चीज, स्टील वूल को हम जो है मशीन के नीचे पैड के ऊपर लगाने के में भी यूज करते हैं इसको, जिससे मशीन पे प्रेशर नहीं पड़ता है। अगला आइटम आता है हमारे पास इसमें स्पंज, ये भी हमारा क्लीनिंग करने के काम आता है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल क्लीनिंग इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले, जैसे ये हमारे पास स्क्रबिंग मशीन, फ्लोर की स्क्रबिंग के लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं, और फ्लोर की बफिंग पॉलिशिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ये है इसका स्क्रबिंग ब्रश, जो जनरली फ्लोर की स्क्रबिंग के लिए काम आता है। दूसरा है हमारा इसमें वैक्यूम क्लीनर, इसको हम कारपेट क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, कारपेट की डस्टिंग के लिए यूज करते हैं। कहीं पे पानी है तो पानी, फ्लोर पे पानी उठाने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास ये हाई प्रेशर जेट, जनरली आउटर एरिया की धुलाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें रिंगर ट्रॉली, तो जैसे हम लोग कभी कैंट मॉप सेट, वेट मॉप सेट वगैरह यूज करते हैं, तो उसको निचोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आइटम आता है इसमें हमारा कॉम्बी, हम इसको बोलते हैं, जनरली यूज करते हैं हम लो हाइट के ग्लास को क्लीन करने के लिए। इसमें एक साइड एक कपड़ा लगा हुआ है, दूसरी साइड वॉशर लगा होता है। कपड़े से जो है हम पानी ग्लास पे लगाते हैं और वॉशर से हम उसको खींचते हैं। इसी में आता है हमारा, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक रॉड। जनरली जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, ये ओपनेबल होते हैं, यहाँ से खुल जाता है, जो लंबी हो जाती है। जनरली जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, कितनी फीट की भी हो, जैसे ये अलग अलग साइज में आते हैं, 9 फीट, 12 फीट, 18 फीट, 27 फीट, अलग अलग साइज में ये आता है। और जनरली हाई राइज बिल्डिंग के ग्लासेस वगैरह को क्लीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे आते हैं हम इसमें, ये है हमारे पास कैडी बकेट, हम इसको बोलते हैं। जब भी कोई हाउसकीपिंग पर्सनल अपने क्लीनिंग के लिए जाता है, तो अपनी पूरी कैडी बकेट तैयार करके जाता है। इसमें वो रखता है अपना सारा सामान, क्लीनिंग का सामान, डस्टर हो गया, अपने केमिकल्स हो गए, ब्रशेस हो गया, सारी चीजें इसमें कैरी करके जाता है, ताकि उसको जो है हर एक चीज के लिए अलग अलग तरीके से न जाना पड़े। और एक और इम्पोर्टेंट आइटम आता है इसमें साइनेज। कहीं पे भी क्लीनिंग करने से पहले हमें साइनेज बोर्ड लगाना जरूरी होता है, तो इसको हम वहां पे यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हमारी क्लीनिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल की अपडेट पाने के लिए प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।